बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सैलेड वीक में फ्लोरिडा सैलेड, जो कि बनाएगी हफ्सा। मैं इसमें सिर्फ चिकन बॉयल करूँगी, बाकी पूरी रेसिपी आपको हफ्सा बताएगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आइए बगैर किसी इंतज़ार के झटपट से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट। फ्लोरिडा सैलेड बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कप चिकन ले ली थी, उसमें मैंने 2 कप पानी डाल के उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसमें जो हूँ अब मैं एक प्याज डाल दूँगी, ये साबुत इस तरह छील के, ताकि हमारी चिकन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। आधा टीस्पून में इसमें नमक डाल दूँगी, आधा टीस्पून के करीब काली मिर्च डाल दूँगी। वो गलने तक पकाएंगे। जब तक हमारी चिकन गल रही है तो चलिए हम अपने वेजिटेबल्स रेडी कर लेते हैं। वेजिटेबल कट करने के लिए मैंने सबसे पहले 2 कुकम्बर ले लिए थे और मैंने 1 टोमेटो ले लिया था मीडियम साइज़ का, और मैंने 2 मैंगोज ले लिए हैं। आप लोग मैंगो की जगह पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगो सीज़न में है इसलिए मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ। तो चलें अब अपनी वेजिटेबल्स कट करते हैं। तो ये देखें, मैंने अपने कुकम्बर भी कट कर लिए हैं, टोमेटो भी कट कर लिए हैं और मैंगो भी कट कर लिया है। फ्लोरिडा सैलेड की ड्रेसिंग तैयार करते हैं। देखें हमारी चिकन भी बॉयल हो गई है। अब ये चिकन मैं इसमें डाल दूंगी, चिकन मैं साइड डाल दी है। अब मैं इसमें 1/2 कप मैंगो डाल दूंगी। और जो हमने कुकम्बर कट किए थे वो डाल दूंगी। और अब इसमें हम 1 कप टोमेटो डाल देंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लोरिडा सैलेड हमारी तैयार है, अब हम इसको सर्विंग डिश में निकाल लें। सैलेड हमारी तैयार है, इसको फ्रिज में ठंडा करके अच्छे से सर्व करेगा। बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सैलेड है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आप लोग को आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को फ्लोरिडा सैलेड कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।